वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं एग कड़ी यानी कि अंडा कड़ी। तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए होंगे उबले हुए अंडे, लहसुन, अदरक, बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटी हुई टमाटर, धनिया पत्ता, घी रिफाइंड या ऑयल, कटी हुई मिर्च। मसालों में आपको चाहिए होगा जीरा, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और कोई भी गरम मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको विधि बता देती हूँ कि हमें इसे कैसे बनाना है। आपको मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, मैंने टमाटर, लहसुन, अदरक और ऑनियन की चटनी ग्राइंड की हुई है ऑलरेडी मिक्सी में, जिससे कि इसकी जो ग्रेवी अच्छी बन जाए, आप भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अंडे हमें कैसे फ्राई करने हैं। अंडा कड़ी के लिए पहले हमें अंडे फ्राई करने पड़ेंगे। तो हमने क्या करना है, पहले पैन में घी गर्म होने को रख दीजिए। घी गर्म हो चुका है, अब हम अंडे इसमें फ्राई करेंगे। थोड़ा ध्यान से करना है आपको बिल्कुल। इस तरह से जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो दूसरी साइड आप उसे कलर दीजिए। गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसका वेट करना है। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अंडे, अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे इस तरह। ठीक है, अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। आइए अब हम आगे देखते हैं इसे कैसे बनाना है। हमारे अंडे देखो बिल्कुल ही फ्राई हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, पैन रख देना है गैस पर और ऑयल चढ़ा देना है। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल यूज किया है। तेल गर्म होने पर आपको उसमें लहसुन डालनी है, ये आपने इसमें लहसुन डालनी। लहसुन ज्यादा यूज करें, लहसुन के साथ ही आपने इसमें बारीक कटी हुई अदरक डाल देनी है। अदरक भी अच्छा टेस्ट देती है। लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने के अच्छे से उसके बाद आपने इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल लेनी है। ध्यान रहे अंडा कड़ी में ग्रेवी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर ग्रेवी अच्छे से नहीं आपकी बनेगी तो अंडा कड़ी आपके टेस्ट नहीं देगी अच्छा, इसलिए ग्रेवी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे अच्छे से पकने दें, चाहे तो आप इसमें हल्की सी हल्दी और नमक भी यूज कर लें ताकि थोड़ा अच्छा कलर दे स्वाद अनुसार। मसाला हम लास्ट में डालेंगे। गैस तेज कर ले रही हूँ। कई लोगों को अंडा कड़ी स्पाइसी बहुत ज्यादा पसंद है तो वो लोग रेड मिर्च का बहुत यूज करते हैं। इसे 2-3 मिनट आपको पकाना है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। जैसे ही आपके टमाटर पक जाएंगे आपको इसमें जो वो मैंने प्योरी कही थी आपको टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक की मिक्स करेंगे वो आपने डाल लेनी है। आपको बहुत अच्छे से पकाना है।
हम इसमें थोड़ी सी वाटर डालेंगे। और पानी के पकते पकते ये अच्छे से पक जाएगी। आपको जितना गाढ़ा ग्रेवी चाहिए उतना कम पानी यूज करें, जिसको तरीदार चाहिए वो ज्यादा पानी यूज करें। इसे कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएंगे अच्छे से पकने में, तो वेट करते हैं। देखिए अब आपकी ग्रेवी पक चुकी है, थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है ये। अब हमने क्या करना है, इसमें स्वाद अनुसार मसाले डाल लेने हैं लास्ट में, और मिर्च अगर आपने अकॉर्डिंग आप जो भी यूज करना चाहते हैं। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें ये फ्राइड एग डाल देंगे। इसमें आपने धनिया पत्ता डालना है लास्ट में इस तरह से। और इसे 2-3 मिनट और पकाना है। इसे ढक देते हैं हम 2 मिनट के लिए। आइए अब देखते हैं, पक चुकी है हमारी अंडा कढ़ी। थोड़ा टाइम टेकिंग है ये रेसिपी, लेकिन बनती बहुत टेस्टी है। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ खाएं, बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो आइए मैं अब गैस बंद कर ले रही हूँ और इसे निकाल ले रही हूँ बाउल में। देखिए यम्मी। और इसे अब गार्निश कर ले रही हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ता से। देखिए बिल्कुल तैयार है आपकी ये अंडा कढ़ी। कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और सजेशन भी जरूर दें आप क्या रेसिपीज हमसे बनवाना चाहते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।